जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत के लोग जान रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है, जो गुरु जी शिव भोलेनाथ का महीना है। इस महीने में पूजा, जप, तप, सिमरन, सत्संग, सेवा करने से आपके सारे रुके काम होने लगते हैं और गुरु जी का दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि सद्गुरु की शरण समस्त तीर्थों में स्नान करने से बढ़कर है, क्योंकि अहंकार की मैल बाहरी तीर्थों में स्नान करने से नहीं, बल्कि सद्गुरु द्वारा बख्शे गए नाम के तीर्थ में स्नान करने से उतरती है। गुरु जी की ब्लेसिंग आंटी जी को मिलती है और आंटी जी का जीवन बदल जाता है। चलिए आंटी जी से सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, और सबसे पहले गुरु जी को अनंतम शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी से कब स्टार्ट हुई ये यही जानते हैं, पर गुरु जी ने ये एहसास हमको दिलाया है पिछले महीने स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। मैं पिछले 3 साल से ज्यादा ही कहूंगी, 2016 से मैं बहुत परेशान हूँ। चीजें होती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर कुछ हो जाता है। 2021 के बाद से बहुत ज्यादा मैं तकलीफ में थी। मैं मेरी फैमिली के साथ हम कुछ चीजों से डील कर रहे हैं अभी भी, तो मैं बहुत परेशान थी। और मुझे मई में जाके पता चला कि उसका कारण क्या था, और फिर उसके बाद खैर वो सब इन्होंने जैसे तैसे जो ठीक करना है कराना है, इन्होंने करना है। तो जुलाई स्टार्टिंग में मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर रही थी एक जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे कुछ इंटरव्यू के लिए पूछना था उससे। और उसने मेरे को पहले पूरा बोला कि मेरा ऑफिस आ जा, पर मैं जा नहीं पाई किसी वजह से। तो मैंने फोन पे बात की कि ठीक है मैं पहुंच नहीं पाऊंगी तो मुझे फोन पे ही बता दें। फोन पे जब हमारी बात हुई तो पहले तो काम की बात हुई, पहले तो कुछ खास मतलब जो है हमारी ऐसी नॉर्मल बात हुई काम से रिगार्डिंग बात। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा ऐसे इधर का इधर उधर का हालचाल, तो मैंने उसे बताया कि यार सब परेशान हूँ मैं बहुत। और जो परेशानी मेरे साथ चल रही थी वही परेशानी से वो कुछ टाइम पहले डील कर चुकी थी, कुछ महीने पहले। तो बोला कि मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने ना एक गुरुजी के बारे में बताया, और वो ना गुरुजी बहुत मतलब उनके वो हैं, सत्संग है, वो बहुत कुछ करते हैं, कर चुके हैं। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि गुरुजी नहीं है या कहाँ पे है, बस इतना बोला कि गुड़गांव के कोई गुरुजी। मैंने गुरुजी का स्वरूप आंटी के बुटीक पे देखा हुआ था, 2016 से पहले ही देखा था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन है, क्या है और कहाँ पे, मतलब यू नो उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उसने मेरे को जब बताया कि ऐसे ऐसे हैं, तुम ना उनसे उनके सत्संग सुनना स्टार्ट करो और सब ठीक हो जाएगा। और उसने मुझे बताया कि उसकी फ्रेंड ने उसको बोला था कि अगर गुरुजी आपको अपनी संगत का, अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वो तो उसमें संकेत ये है कि जैसे आपको फील होगी या फिर मोर। तो मैंने बात सुन ली, मैं नीचे आ गई, और उसके बाद शाम के वक्त मैं अपने मंदिर में दिया जलाने के लिए जब गई रूम में, तो वो रूम पे मेरे पापा का ऑफिस है साथ में संगत जी। और जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला है, अभी कुछ अंदर मैंने कोई दिया बाती धूप बत्ती कुछ नहीं की थी, सुबह के बाद मैं शाम को जलाती हूँ। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मुझे इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी गुलाबों की महक आई, इतनी अच्छी खुशबू आई, तो मेरे मन से तुरंत निकला जय गुरु जी। अब मुझे थोड़ी देर तक तो अच्छा लगा, मैंने शुक्राना भी कर दिया, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे को लगा कि यार मैं ना परेशान हो सकता है, मेरा दिमाग ना मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है कि तेरे को कोई आसरा मिल गया, जो फैक्ट है। मुझे लगा मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है, कोई गुरु जी नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, मेरा वहम है। मैं बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैंने जो है सुबह उठी हूँ, मैंने उठते ही फोन ऑन किया है, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरी मम्मी टीवी ऑन करते हुए यूट्यूब पे मतलब भजन कीर्तन चालू करते हैं हम सुबह सुबह,
तो उन्होंने जो है जैसे ही टीवी ऑन किया वहाँ सामने गुरु जी का मंत्र जाप, और मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने वो मंत्र जाप ऑन किया और इधर मेरे हाथ में फोन पे मैं कुछ देख रही थी उसपे मुझे एक रील इंस्टाग्राम रील पे मोर पंख दिखे। मैंने कहा ठीक है भाई जय गुरु जी, फिर भी मेरा मन नहीं माना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा मन नहीं माना और ऐसे एक दो दिन निकल गए। मैंने कहा गुरुजी, मैंने मन में कहा गुरुजी अगर आप सच में आपने मुझे चुना है ना, तो मैंने कहा आप मुझे खुद संकेत दो, मैं नहीं मानती। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये बोल के मैं ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आई हूँ। मैंने फोन ऑन किया और ऐसे मैं अपना नॉर्मल चेक करी थी, मेरे सामने जो पहला पोस्ट आया वो लिखा था उसमें कुड़िये रेणू में आप चुने हैं। मतलब ये वर्डिंग आप फील करो कि जो आपके मन में था। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैंने फोन पे भी नहीं बोला, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं, ये मेरे मन की बात थी। पर फाइनली उन्होंने मुझे बता दिया कि तू अपनी मर्जी से नहीं मेरे पास नहीं आता, तुझे चुना है मैंने। उसके बाद हमारी बातों का सिलसिला चालू रहा, होती रही बातें, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। फिर गुरु जी ने बताया कि वो मुझसे 2016 से ही कनेक्टेड है, पहले से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी गुरुजी मेरे साथ थे। क्योंकि मुझे एक टाइम पे याद है मैं बहुत बीमार थी, तो मुझे सपने में गुरुजी ने शिव जी के रूप में जो है अपने दर्शन दिए थे और बोला था कि तू सप्तनाच का दान कर, बस इतना एक स्टेटमेंट बोल के उसके बाद कभी कोई ऐसा सपना नहीं कुछ नहीं, मैंने कर दिया, बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने मुझे किसी न किसी बहाने शिव मंदिर में बुलाना, दिया जलवाना, वो उन्होंने करवाया है, मैं खुद नहीं शिव भक्त हूँ बिल्कुल भी। पर जितना भी मैंने आज तक कही पे कुछ कनेक्शन है वो इनके साथ इस जन्म में वो इन्होंने करवाया है। और फाइनली अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने उन्होंने मुझे बोला सत्संग सुनती रह तेरा कल्याण होगा, मैं सुनती रही। अब यहाँ पे एक और चीज कि जब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तब तक मुझे कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में, पर 4 दिन बाद मैंने कुछ किसी संगत का इंस्टाग्राम पे ही सत्संग सुना और फिर मुझे पता चला कि गुरु जी ने मुझे जिस दिन अपना प्रेग्रेस अपने मंदिर में मेरे घर पे आकर मुझे महसूस करवाया था, मुझे चुना था या मुझे मेरे अपने बारे में कुछ पता था, वो और कोई दिन नहीं था, वो था 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे। तो ये गुरु जी की महिमा है कि उन्होंने अपने बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट दिया है, उल्टा मुझसे कुछ लेने के वो खुद साक्षात मेरे घर पे आए, उन्होंने प्रेग्नेंस अपनी हरा के मुझे बताया कि तू परेशान ना हो मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद मैंने घर पे उनके कहे अनुसार सब कुछ करना शुरू किया, सत्संग चलाना शुरू किया। मेरे फादर भी इस वक्त बहुत बीमार हैं, तो मतलब वो मेंटली भी इस वक्त स्टेबल नहीं है संगत जी। तो उन्होंने मैंने उनके लिए अरदास की थी, मैंने कहा आप कुछ करो। और दूसरे या तीसरे दिन सत्संग सुनने के बाद रात में 2:30 बजे मेरे पापा मेरे दरवाजे पे नॉक करके क्या बोलते हैं, कहते मुझे गुरु जी के दर्शन। और मैं इनका मतलब पता नहीं क्या इमेजिन किया है क्या है, कहते गुरु जी बैठे हैं वहाँ मेरे पास, सिराने मेरे, कहते हाँ बैठे मेरे पास, कुछ बोला उनको, यही है। तो जय गुरु जी, संगत जी आपने इतना पेशेंटली सुना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।